एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे, इसमें हमने क्वेश्चंस किया था 1 से लेके 4 तक हमने कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है, बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई है, से दूरियां कितनी इकाई है, 4 इकाई है। देखो इसको ग्राफिकली अगर थोड़ा सा समझ लो, सबसे पहले जैसे ये हमारा ग्राफ है, एक रेखा है इस तरीके से अंतःखंड रूप, ये यहां पे 3 पे कट कर रहा है, यहां पे ये 4 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर, यहां पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मान लो यहां पे कोई एक बिंदु है एक्स अक्ष पर, कह रहे कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से इस पे डाला गया जो लंब है उसकी जो दूरी है वो कितना होगा, 4 इकाई होगा, मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी, इस रेखा की दूरी कितना है, 4 इकाई। अच्छा हमें पता है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो वाई का वैल्यू कितना होता है, 0। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसको ले लेते हैं एक्स कॉमा 0, या कुछ भी ले लो, ए कॉमा 0, बी कॉमा 0, ठीक ना, या के कॉमा 0, कुछ भी ले लो। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, एक्स कॉमा 0, कितने जगह एक्स कॉमा 0, रेखा दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो एलसीएम कितना जाएगा इसका, 12, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y बटे 12 बराबर 1, 12 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y बराबर 12, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो तो 4x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0, ठीक ना। इसकी तुलना कर लेना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर दो, ठीक ना, तुलना कर दोगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, 4, b बराबर 3 और c बराबर माइनस का 12, विद साइन रखेंगे, प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का रखेंगे, ठीक। बिंदु दे रखा है x कॉमा 0, तो लिखेंगे x कॉमा 0 से रेखा की दूरी, हमें पता दूरी का फॉर्मूला होता है डी बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। देखो बिंदु दे रेखा कितना एक्स कॉमा 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वन, ये हो जाएगा हमारा वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना 0, एक्स वन का वैल्यू कितना एक्स, और डी दे रखा है, देखो हम दूरी कितना दे रखा है 4 इकाई, तो डी की जगह हो जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 4x, एक्स वन की जगह क्या जाएगा एक्स प्लस बी, बी कितना 3 इंटू 0 माइनस का 12 बटे रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तुमने बहुत बार सॉल्व किया 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर को कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 5, तो ऊपर आएगा 4x माइनस का 12 बटे नीचे कितना आएगा 5, ठीक ना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 4 पंजे कितना जाएगा 20, 12 को इधर उठा के ले आना तो क्या जाएगा प्लस का बराबर कितना आएगा 4x, जोड़ देंगे कितना आएगा 32 बराबर 4x, तो x बराबर 8, 8 चौक 32, तो 8x बराबर कितना जाएगा 8, तो बिंदु क्या हो गया, बिंदु जाएगा 8,0, ये हो जाए हमारा बिंदु, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, दे रखा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दो समांतर रेखाएं दे रखा है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो देखो इक्वेशन है हमारे पास 15x प्लस 8y माइनस का 34 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 15x प्लस 8y माइनस प्लस का 31 इक्वल टू 0, इनके बीच की दूरी निकालना है, ठीक ना। तो हमने पढ़ा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है,
सूत्र होता है डी बराबर सी टू माइनस सी वन का मॉड बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हमेशा याद रखना समांतर जो रेखाएं होती है उसके इक्वेशन हमेशा क्या होगा, ए एक्स वन प्लस सॉरी ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये चीजें सेम होंगी, ओनली डिफरेंस किसका होगा, सी वन एंड सी टू का। ठीक ना, तो इसमें भी देखो ये दोनों सारी चीजें सेम है, कभी दे भी नहीं सकता जैसे नहीं दिया हुआ है, समांतर रेखा ही नहीं दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दोनों रेखाएं समांतर है या कैसे है। अरे बस समझे, ठीक ना, तो नहीं दे रखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ना, पंद्रह एक्स पंद्रह एक्स एट बाई एट बाई, तो ये चीज आपस में क्या है बराबर है, ये चीज आपस में क्या है चेंज है, तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग दे रखा हो तो नहीं निकलेगा, हाँ मतलब क्या करेंगे, हाँ तो नहीं छोड़ देंगे उसको फिर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो इसके अगर तुलना करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स प्लस वी बाई प्लस सी बराबर जीरो से अगर इसकी तुलना कर देंगे तो ए बराबर हमें मिलेगा पंद्रह, बी बराबर मिलेगा आठ, सी वन बराबर मिलेगा माइनस का चौंतीस और सी टू बराबर हमें मिलेगा इकतीस। ठीक ना, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, देखो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा c टू माइनस सी वन का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो c टू कितना हमारा 31 माइनस C1 कितना माइनस का 34, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 34, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का आगे ही है, तो रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65, 15 और 8, 15 और 8 का कितना होता 17, 15 8 का त्रिक क्या होगा 17, देखो एक 225 प्लस 64 196 आता है, तो रूट ऑफ 289, 289 किसका होगा 17 का, तो कितना आएगा 65 बटे 17 इकाई, क्या लिख देना इकाई, इकाई का मतलब मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, जिसमें दे रखा होगा उसमें निकालेंगे। ठीक है ना, त्रिक याद रखना 15 8 17, जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो याद रखोगे तो बहुत काम का है, जैसे 3 4 5 8 6 और 10, ठीक ना, 12 5 और 13, 12 5 13 का ट्रिक होता है, ठीक ना, वैसे 15 8 और 17 ये ट्रिक होता है, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट खुद करने की कोशिश करना, ना है तो फिर बताना बाद में। ठीक है, आ जाएगा सिंपली, ये देखो P प्लस आ रहेगा डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो, देखो C1 कितना होगा R P, C2 कितना होगा माइनस का R, तो P प्लस R बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो क्या जाएगा P प्लस R बटे एल रूट टू, ये आएगा इसका आंसर, आंसर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक ना, कर लेना सिंपली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु माइनस 2.3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, रेखा का समीकरण लेते हैं x plus by equal to c, c equal to 0 लेना, देखो बिंदु की रेखा होता है ना, हाँ, दो तरीके से मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, ये हम क्या करेंगे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक रेखा दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है, कह रहे कि इसके समांतर, इस रेखा के समांतर, मान लो ये एक रेखा है, ये वाली रेखा है, तो कह रहे कि इसके समांतर एक और रेखा है, इसका हमें समीकरण निकालना है, वो इसके समांतर और एक बिंदु से जाता है, बिंदु दे रखा है 2.2, कितना दे रखा है
माइनस टू कॉमा थ्री, माइनस टू कॉमा थ्री से जाता है, क्लियर है? बिंदु दे रखा है माइनस दो कॉमा तीन। देखो दो मेथड से सॉल्व करते, जो मेथड तुम्हें सिंपल लगे उससे तुम इसको सॉल्व करना, क्लियर है? दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। हमें पता है रेखाएं समांतर कब होती है, जब इनका ढाल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एम वन बराबर क्या जाएगा, एम टू, क्लियर है? तो इस रेखा की ढाल अगर निकाल लें तो हम उससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि इस रेखा की ढाल कितनी है। तो हमारे पास ढाल निकल जाएगा, एम आ जाएगा, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, तो ढाल बिंदु रूप हो जाएगा। तो ढाल बिंदु रूप लगा देंगे तो रेखा का इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अब देखो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें क्वेश्चन नंबर सिक्स में कि रेखा जब आपस में समांतर होती है तो ओनली किसका डिफरेंस होता है, सी का, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होता है। ये दोनों चीजें तो सेम रहेगा ना, ओनली किसका डिफरेंस होगा, सी। तो यहाँ पर टू की जगह क्या ले लेते हैं, हम लैम्डा ले लेते हैं। इक्वेशंस क्या ले लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, या कांस्टेंट के ले लो, कुछ भी ले लो, के ले लो, लैम्डा की जगह क्या ले लो, के ले लो, चलो प्लस के बराबर जीरो। अब ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण है, और इसी रेखा पर हमारा क्या बिंदु है, माइनस दो कमा तीन, और माइनस दो कमा तीन को अगर इस रेखा पे रखेंगे तो ये रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब अगर x बराबर माइनस दो और y बराबर कितना रखते हैं, तीन रखते हैं, तो बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक ना? तो x बराबर दो और y बराबर कितना रख देंगे, तीन रख देंगे, तो k का वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। जब k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो समीकरण आ जाएगा। दोनों मेथड से करा दो, देखो देखो फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ढाल निकाल लेते हैं। समीकरण दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक, 4x को उठा के इधर ले जाओ, सॉरी 4y को माइनस के इधर रखे, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 2, तो y बराबर हो जाएगा 3 बाय 4x प्लस 2 बाय 4, 2 से काट दो तो 3 बाय 4x प्लस का 1 बटे 2, तो इसकी तुलना कर दो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, तो y बराबर एम एक्स सी से तुलना करेंगे तो m बराबर कितना जाएगा, 3 बटे 4, ढाल निकल गया, ठीक है? तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। तो रेखा फर्स्ट के समांतर रेखा की ढाल, मतलब इसके समांतर जो रेखा है उस रेखा की ढाल क्या हो जाएगा, एम डैश, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम डैश। तो एम डैश बराबर क्या होगा, एम, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है, रेखा है, रेखाओं की ढाल आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो एम डैश बराबर कितना हो जाएगा, एम डैश बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसके समांतर जो रेखा है उसका ढाल निकल गया, मतलब दो रेखाएं समांतर है, ये हमारा फर्स्ट रेखा है, हमें सेकेंड रेखा का इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट रेखा की ढाल निकाल लिया हमने, ये चिन्ह दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, इसलिए दोनों की ढाल आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसकी ढाल अगर 3/4 है तो इसकी ढाल भी कितना होगा, 3/4। एडवांस यह है कि यह वाला रेखा जो है इस बिंदु से पास होता है, तुम क्या लिखेंगे, अतः ढाल एम डैश बराबर 3/4 ब बिंदु माइनस दो कॉमा तीन से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना 3 बराबर m 3/4, x माइनस x1 कितना माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो 4 बाई माइनस का 12, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो 3x प्लस का 6, तो यहाँ पे जाओ 4y, देखो इन सबको उठा के दे ले आओ तो 3x प्लस 6 ऐसे रहेगा, इसको उठा के दे लेंगे तो माइनस का 4y प्लस का
12 बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3x माइनस 4y, 12 और 6 कितना जाएगा 18 बराबर 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो एक तो ये वाला मेथड है हमारा, इससे सिंपल मेथड है मेथड सेकंड, ठीक। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है दोनों, ऊपर उसको ही फर्स्ट ले लो, ठीक ना। देखो रेखा फर्स्ट के समांतर रेखा का समीकरण, का समीकरण क्या लिखेंगे, रेखा फर्स्ट के समांतर रेखा का समीकरण। देखो क्या आएगा 3x माइनस का 4y प्लस के, लैम्ब्डा यूज करता हूं मैं, लैम्ब्डा बराबर 0, ठीक। क्योंकि ये चीज तो सेम होगा ना, देखो ये आ गया ना इक्वेशन, अगर तुम ऑब्जर्व करो यहां पे 3x माइनस 4y, यहां पे भी ऑब्जर्व करो 3x माइनस 4y, डिफरेंस किसका, यहां पे 2 है और इसमें 18, डिफरेंस किसका होता है समांतर रेखा में, केवल कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होता है, ठीक ना। इसीलिए 2 की जगह हमने क्या ले लिया, लैम्ब्डा ले लिया। अब लिखेंगे इसको समीकरण नंबर, हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और लिखेंगे समीकरण 2 बिंदु किससे ज्यादा है, माइनस 2 कोमा 3 से होकर इसलिए यह रेखा के समीकरण को, यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब यह संतुष्ट करेगा तो x बराबर कितना रख देंगे, माइनस का 2, और y बराबर कितना रख देंगे 3। तो x बराबर माइनस का 2 रख दो, तो माइनस 2 गुणा 3 माइनस का 4 गुणा 3 प्लस लैम्ब्डा इक्वल टू 0। देखो माइनस का 6 प्लस का सॉरी माइनस का 12 प्लस का लैम्ब्डा बराबर 0। तो 12 और 6 कितना जाएगा 18, माइनस का 18, माइनस का 18 को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा प्लस का 18, तो लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा 18। अब लैम्ब्डा का वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो समीकरण 2 से तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। पूरा नंबर मिलेगा एकदम, अरे बस नहीं। तो ये वाला मेथड भी है और तुम्हारे पास ये वाला मेथड भी है, तुम्हें जो सिंपल मेथड लगता है वो करो, ये सिंपल मेथड है इसके, क्योंकि ये सिंपल तो है ये, लेकिन थोड़ा सा क्या है लॉन्ग है, तुम्हें पहले m निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें इक्वेशंस लगा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, रेखा का समीकरण कॉन्स्टेंट जो दे रेखा होगा कॉन्स्टेंट की जगह क्या रख देंगे हम, लैम्ब्डा रख देंगे, कॉन्स्टेंट की जगह लैम्ब्डा रख के फिर आगे प्रोसीड करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेखा, देखो रेखा दे रखे हमारे पास x माइनस 7 बाय प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब, इस पर क्या है लंब है, और x अंतःखंड तीन वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तेरा इस पर लंब है, पर लंब और x अंतःखंड दे रखा है, x अक्ष या x अंतःखंड कितना दे रखा है 3, मतलब यहां पे d का वैल्यू दे रखा है कितना 3। तो कह रहे कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब कह रहे हैं कि इस रेखा पर लंब है और y अक्ष पे वो 3 पर प्रतिशत सॉरी x अक्ष पर वो 3 पर प्रतिशत करती है, तो ऐसे रेखा का हमें समीकरण निकालना है, क्लियर है। तो हमें पता है मान लो ये वाली रेखा ये है, ठीक ना, इस रेखा पर एक लंब है, इस रेखा पर एक रेखा लंब है, तो हमें पता है अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, इसकी ढाल m1 है इसकी ढाल m2 है, तो दोनों की ढालों का गुणनफल कितना होगा माइनस वन होगा, तो इसका मतलब इसका समीकरण दे रखा है, तो इसके समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं एम वन निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं, जब इसका ढाल निकल जाएगा तो इसकी ढाल भी हम क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन से, जब इसका ढाल निकल जाएगा हमें
वाई अक्ष एक्स अक्ष पर अंतःखंड दे रखा है, जब एक्स अक्ष पर अंतःखंड दे रखा है तो हम इक्वेशन से यूज करेंगे वाई बराबर एम एक्स माइनस डी। पढ़ाई इक्वेशन याद है? हैं? हाँ। और x अगर x y x पर दे रखा होता अंतःखंड तो क्या यूज करते? y बराबर एम एक्स प्लस c यूज करते। y x पर अंतःखंड दे रखा तो ये, x अक्ष पर अंतःखंड दे रखा है तो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ढाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ढाल। देखो अतः x माइनस सेवन बाई प्लस फाइव बराबर कितना हो गया? जीरो। देखो इसको उठा के इधर फेंक दो तो ये माइनस के इधर आके क्या जाएगा? प्लस का। तो सेवन बाई बराबर हो जाएगा x प्लस का फाइव, बाद नहीं y बराबर एक बटे सात एक्स प्लस पांच बटे सात। सात को इसके बराबर की इधर भेज दो, बट्टे में जाएगा तो एक बटे सात हो जाएगा और पांच बटे सात। इसकी तुलना कर देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तुलना करते हैं तो यहां से निकल के आएगा ढाल m बराबर एक बटे सात। ठीक ना? इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो रेखा सर जी, हाँ बता, पूर्णतया एक बार करके दिखाओ तुलना है। पूर्णतया देख, x ये x है तो m का वैल्यू कितना होगा? एक बटे सात। और c का वैल्यू कितना होगा? पांच बटे सात। ठीक ना? तो m बराबर एक बटे सात, हाँ m का वैल्यू चाहिए, सी नहीं चाहिए। रेखा, अब देखो रेखा फर्स्ट पर लंब, इस पर लंब है ना, रेखा फर्स्ट पर लंब रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, क्योंकि दोनों रेखा आपस में क्या है? लंब है, तो इसलिए इस रेखा की ढाल इसको रिप्रेजेंट करते किससे? एम डैश से, या इसको एम वन से कर लो, इसको एम टू से कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम डैश बराबर वन बटे माइनस वन बटे एम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? माइनस वन के बराबर होता है। तो माइनस वन बाय एम, एम का वैल्यू एक बटे सात, सात ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस का सात। तो एम डैश बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ सेवन, कहां पे? ये एम डैश है, क्योंकि दोनों रेखा, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, इसकी ढाल है एम और इसका ढाल है एम डैश, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? माइनस वन के बराबर होगा। तो एम डैश किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वन बाय एम के बराबर हो जाएगा। एम का वैल्यू हमारे पास एक बटे सात है, तो एम का वैल्यू रख देंगे, सात का एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का सात, तो एम डैश कितना जाएगा? माइनस का सात। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो रेखा, अविष्ट रेखा का समीकरण क्या जाएगा? अविष्ट रेखा का समीकरण, लैंग्वेज को छोटा करने के लिए लिख सकते हैं अविष्ट रेखा का, तो जो रेखा में निकालना है उसका समीकरण, ठीक ना, क्या जाएगा? वाई बराबर एम डैश एक्स माइनस डी, क्या जाएगा? एम डैश एक्स माइनस डी। देखो वाई, वाई बराबर जीरो, एम डैश कितना? माइनस का सात, क्या जाएगा? माइनस का है, तो इक्वेशंस वही यूज करेंगे फिर, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स बाई वन तो है ना जीरो, ये तो जीरो है तो इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वन को हमने डी से रिप्रेजेंट कर रखा है तो एक्स माइनस डी हो गया, ये हमारे यहाँ पे है वही इक्वेशन, मतलब घुमा फिरा के इक्वेशन सेम ही है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपके दो हाँ माइंड का आइडिया है, ठीक है ना। एक्स माइनस डी कितना है? तीन, ठीक है। तो वाई बराबर जो माइनस का सात, और इससे से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? प्लस का एक सात एक्स प्लस इक्कीस, इसको उठा के इधर ले आना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये जगह सेवन एक्स प्लस वाई माइनस इक्कीस बराबर जीरो। है यहीं तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दिया कोई बात नहीं, यहीं तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो ये भी समीकरण ही है, यहाँ तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, अरे बस समझे, या इस फॉर्मेट में छोड़ दो तो भी इक्वेशन सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर। अच्छा अब इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, ठीक ना, मेथड सेकंड। देखो दो, अगर दो रेखाएं हैं और एक दूसरे पर क्या है?
लंब है। जैसे मान लो एक रेखा का अगर समीकरण लिखता हूं मैं ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर जीरो, या सी वन बराबर जीरो या सी बराबर जीरो, एक रेखा यह है, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, किसका लंब रेखा का समीकरण हमेशा क्या होगा, याद रखना बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश बराबर जीरो, क्या देखना बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश बराबर जीरो, मतलब इनके गुणांक आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इसके गुणांक आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, जब इनके गुणांक आपस में इंटरचेंज होते हैं और बस क्या आता है नेगेटिव हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होगा, क्लियर है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखते हैं आता ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, देखो देखो समीकरण दे रखा है एक्स माइनस सेवन बाई प्लस फाइव बराबर जीरो के, जीरो पर लंब रेखा का समीकरण, ठीक है ना, रेखा पर लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, सेम एक्स और वाई के जो गुणांक है उसको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखो इसका गुणांक कितना है वन, वाई का गुणांक कितना है सात, तो सात एक्स के साथ आ जाएगा, एक किसके साथ आ जाएगा वाई के साथ, तो क्या जाएगा सेवन एक्स प्लस वन वाई, माइनस का है तो प्लस का, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है ना, प्लस लैम्ब्डा इक्वल टू जीरो, प्लस लैम्ब्डा इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। अच्छा ये रेखा जो है वो किससे पास होता है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रखा है तीन, एक्स अक्ष पर अंतःखंड दे रखा है, तो बिंदु के रूप में लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे तीन कॉमा जीरो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर है भाई, कितना होगा जीरो होगा, तो बिंदु होगा तीन कॉमा जीरो। अब रेखा जो दो है वो बिंदु तीन कॉमा जीरो से पास होता है, गुजरता है, तो इसलिए ये रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो एक्स बराबर कितना रख देंगे तीन, एक्स बराबर तीन और वाई बराबर कितना जीरो, ठीक है, तो लैम्ब्डा का मान कितना जाएगा, देखो सात्य इक्कीस प्लस जीरो प्लस लैम्ब्डा इक्वल टू जीरो, तो कितना जाएगा लैम्ब्डा बराबर माइनस का 21, लैम्ब्डा का वैल्यू उठा के यहां पे रख देना, तो 7x प्लस वाई माइनस का 21 बराबर, कुछ ना कुछ बात तो है वहां पर, है कि नहीं है, कुछ राज नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, दो रेखाएं दे रखे हैं और कह रहे कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहला है रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन और एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू कितना वन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, क्या निकालना, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। देखो ये दो रेखाएं हैं, मान लो इनके बीच में कोण कितना है थीटा है, ठीक है ना, तो इसका कोण निकालना है, इसकी ढाल है m1, इसकी ढाल है m2, तो कोण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इनटू m2 का मॉड, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस रेखा की ढाल चाहिए और इस रेखा की ढाल चाहिए। सबसे पहले इस रेखा की ढाल निकालेंगे और इस रेखा की ढाल निकालेंगे, ढाल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो देखो इस रेखा से y बराबर निकालो, तो y बराबर जो 1 माइनस रूट थ्री एक्स, इसकी तुलना अगर कर देते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, ठीक ना, इससे तुलना कर दोगे तो m1 बराबर कितना रूट थ्री माइनस का रूट थ्री, क्योंकि x के साथ क्या है माइनस का रूट थ्री है ना, यहां पे x के साथ क्या है m, तो m बराबर कितना जाएगा माइनस का रूट थ्री, तो m बराबर आ गया, ठीक ना। दूसरे समीकरण ले लेते हैं तथा सेकेंड इक्वेशन से x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू कितना वन, देखो इसमें रूट थ्री वाई इक्वल टू, देखो यहां पे जाएगा वन माइनस, बाद नहीं वन माइनस एक्स,
तो y बराबर हो जाएगा 1 बाय √3 माइनस √3 माइनस 1 बाय √3 एक्स। अरे देख 1 बाय √3 एक्स। इसको भी हम तुलना करते किससे, y बराबर mx प्लस c से, क्योंकि यहां पे इसके गुणा में था ना, बराबर है क्या, इधर आके क्या जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो y बराबर mx प्लस c से तुलना, जब इसकी तुलना करेंगे आपस में तो यहां पे हमारे पास इक्वेशंस मिलेगा m2 बराबर -1/√3 m1 और m2 निकल गया। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, दोनों रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m2 - m1/1 + m1 × m2। क्लियर है, ठीक। इसका मॉड सॉल्व कर लो, देखो m2 का वैल्यू कितना है 1/√3 माइनस का ही तो है, ठीक। माइनस m1 कितना है, -√3, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस का रूट थ्री। अच्छा देखो बटे 1 + m1 का वैल्यू है -√3 और m2 का वैल्यू है कितना -√3। सॉरी कोई बात नहीं, अब m2 का वैल्यू ये रख दिया, m1 का वैल्यू ये रख दिया, आएगा तो गुणा में ना, दोनों आगे पीछे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 ले लेना, तो √3 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस का प्लस का 3/√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1, देखो -1 × -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 1, देखो 3 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, तो 2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3, ये जगह हमारा tan थीटा, देखो √1/3 किसका वैल्यू होता है 10, 30 का वैल्यू होता है, तो ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 π/6, थीटा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/6, मतलब दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर कोण है 30 डिग्री का। क्लियर है, देखो अब इसमें अगर ये माइनस का दे रखा होता, क्या माइनस का दे रखा होता, एक्स या वाई एक माइनस का दे रखा होता, तो एक दूसरे पर क्या हो जाते, ये लंब हो जाते हैं। मान लो अगर ये दे रखा होता x − √3y = 1, तो ये वाली रेखा और ये आपस में क्या हो जाते हैं, लंब हो जाते हैं। अगर लॉजिकली थोड़ा सा समझो, देखो इनके जो गुणांक हैं वो इंटरचेंज है, यहाँ पे √3 है, y में √3 है, y में 1 है, यहाँ पे x पे 1 है, और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो अगर ये इंटरचेंज कर देते थोड़ा सा साइन को, तो क्या हो जाता है, एक दूसरे पर लंब हो जाता है, क्योंकि लंब रेखाओं का समीकरण इस तरीके का बनते हैं। क्लियर है, तो उसको यूज करके क्या निकाल नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि अगर ऐसे दे रखो तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना है, डायरेक्टली बता सकते थे 90 डिग्री का आपको, ठीक है, ये चीज़ है। सर एक नया चैनल था उसका नाम